आईपीसी का एक कोड है 326, धारा 326। तो हमारा ये भी प्रयास रहेगा कि सम्मान के साथ साथ लोगों को जागरूक किया जाए कि ये धारा 326 क्या है और किस तरीके से जो पीड़िताएं हैं, अगर कोई उनको परेशान करता है तो किस तरीके से इस धारा का उपयोग करके वो जो है अपने आप का बचाव कर सकें और जो जो दोषी लोग हैं उनको दंडित कर सकें। तो ये हम लोगों का उद्देश्य है। 8 तारीख को मेरठ के कैलाश स्टेडियम में हम लोग इस मैराथन दौड़ का आयोजन करेंगे और इससे हम लोगों को जो भी जो धनराशि मिलेगी उसको 5 महिलाओं को हम लोगों ने चिन्हित किया है, उनको एक सम्मान राशि दी जाएगी। जी सर, ये सर उसमें मुख्य अतिथि कौन रहेंगे सर? इसमें हम लोगों का प्रयास रहेगा माननीय जयंत चौधरी जी जो कि अध्यक्ष हैं, वो तो रहेंगे ही, साथ में बहुत अलग अलग खेल की प्रतिभाएं रहेंगी। मुख्य अतिथि के तौर पर भारत की जो स्प्रिंट क्वीन हैं, जिन्होंने देश विदेश में भारत का परचम लहराया है, प्रीटी उषा जी उसमें मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच में रहेंगी। उसके अलावा भी एक म्यूजिक जगत से अली कुली जी हैं जो कि आएंगे और हम लोगों के लिए वो आकर वहाँ पर संगीत का और म्यूजिक का एक कार्यक्रम का आयोजन करेंगे। और भी बड़े बड़े कुछ लोग हैं जो मेरठ जो एक भूमि रही है खिलाड़ियों की और खेल प्रेमियों की, तो वहाँ से भी कुछ और लोग भी रहेंगे, लेकिन मुख्य अतिथि के तौर पर पीटी उषा जी आएंगी। क्या सर आप लोग सम्मान करने की धनराशि कुछ निश्चित किए हैं सर? अभी इसके ऊपर मैं ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन सम्मान करने की हम लोगों ने धनराशि सोची है कि 1,00,000 रुपये का सम्मान उनको दिया जाएगा। साथ ही हम लोग ये भी प्रयास करेंगे कि जिस तरीके से उत्तराखंड में जो एसिड जो बेचने के ऊपर रोक लगी है, हम लोग चाहेंगे कि योगी सरकार, इसके बारे में जयंत जी ने एक पत्र भी लिखा था कि उस पर भी रोक लगाई जाए, तो हम लोग भी चाहेंगे कि एसिड को एक 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 नियमित तरीके से बेचा जाए या उसके ऊपर रोक लगाई जाए उत्तर प्रदेश में।